इंटरनेट यूजर्स के लिए अगले दो दिन मुश्किल भरे हैं। खबर है कि अगले 48 घंटे तक दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज बाधित रह सकती हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट उपभोक्ताओं को अगले 48 घंटों के दौरान नेटवर्क कनेक्शन फ्लेयर का सामना करना पड़ सकता है। वजह यह है कि मेन डोमेन सर्वर और इससे जुड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ समय के लिए बंद रहेगा। द इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड एंड नंबर्स इस अवधि के दौरान मेंटेनेंस से जुड़ा काम करेगी। ICANN क्रिप्टोग्राफी की को बदलेगी, जो कि इंटरनेट की एड्रेस बुक या डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS को प्रोटेक्ट करेगी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इंटरनेट अगर बंद होगा तो क्या होगा। हर सेकंड में दुनिया में 38,000 से ज्यादा GB डेटा का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट बंद हो गया तो 38,113 GB डेटा खो जाएगा। हर सेकंड 56,446 बार गूगल पर कुछ न कुछ सर्च होता है। एक सेकंड में 56,446 गूगल सर्च खो जाएंगे। हिमांशु वर्मा साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। हिमांशु, इंटरनेट बंद होने से किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है और आम लोग इस दौरान अपनी वो जो चाहते हैं काम करना नेट के जरिए वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो मेरा मानना है वो तो ये है कि इस तरह से शटडाउन की जो खबरें आ रही हैं और बंद होने की जो बात चल रही है, ये बहुत ही ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा। हिमांशु वर्मा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है और आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। तो हम दर्शकों को बताएं कि जो यूजर्स इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मुश्किल भरे दिन आ सकते हैं। 48 घंटे तक आगे आपको मुश्किल हो सकती है। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज बाधित रह सकती है, ये कहा जा रहा है। साइबर अटैक की बढ़ती घटनाओं की वजह से मेंटेनेंस जरूरी है और ये मेंटेनेंस इसकी की जा रही है और इसलिए दुनिया में 48 घंटे तक बंद रह सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट सेवाएं बाधित हो सकती हैं और इसलिए पहले से तैयारी की जा रही है। साइबर अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ऐसा करना जरूरी बताया जा रहा है। हिमांशु वर्मा फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। हिमांशु, ये बताइए कि क्या जो सेवाएं बाधित रहने की खबरें आ रही हैं, ये बिल्कुल सच्ची खबर है? बाधित रहेगी इंटरनेट सेवा और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। आखिर उस दौरान लोग कैसे क्या अल्टरनेट अपना सकते हैं? देखिए, अभी तो इसका जो है पूर्ण तरह से इसका पुख्ता होना अभी बाकी है कि ये इस तरह की शटडाउन की जो खबरें हम सुनते आ रहे हैं, और मैंने भी अभी ये वैलिडेट नहीं कर रही है पूरी तरह से कि जो भी खबरें आ रही हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि अगर इंटरनेट 48 घंटे तो क्या अगर 3 या 4 घंटे के लिए भी शटडाउन होता है कभी, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स का जो है स्लोडाउन आ जाएगा। इसलिए भी आ जाएगा कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो खाली इंटरनेट सेवाओं पे ही के ऊपर चलती हैं, जो हमारा ग्लोबल सपोर्ट है, जो दुनिया में हम इंडिया से बैठ के डिफरेंट कंट्रीज से बैठ के सेवाओं पे सपोर्ट देते हैं, चाहे वो आपकी डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे वो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जाहिर है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिस तरह से होती है लगातार हर सेकेंड में, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स बंद हो जाएंगे और इसके कारण करोड़ों का खरबों का नुकसान हो सकता है, तो इंटरनेट सेवाएं बाधित रह सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका पूरी जानकारी देने के लिए।